हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7A यूट्यूब चैनल। आई एम विथ यू जयंत। सो टुडे आई हैव कम विथ एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट इन दिस वीडियो फॉर यू। वेट अंटिल द वीडियो इज कम्प्लीटली फिनिश। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख रहे हो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक रेलवे का जॉब है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 4,660, अर्थात 4,660। ये वैकेंसी दो तरीके का है, RPF SI एंड RPF कॉन्स्टेबल। RPF SI के लिए आपको क्वालिफिकेशन लगेगा ग्रेजुएट, एंड RPF का कॉन्स्टेबल के लिए आपको लगेगा मैट्रिक। मैट्रिक पास होने से ही आपको RPF कॉन्स्टेबल अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई आप लोग कर सकेंगे 15 अप्रैल से 14 मई तक। 15 अप्रैल से 14 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप एक महीना वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉल करके नीचे चला जाएंगे, ताकि हम पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दे सकें। जैसे कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो RPF सब इंस्पेक्टर, जिसका क्वालिफिकेशन लगेगा आपको ग्रेजुएशन, एंड सैलरी है आपका 36,400, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा आपको B1, और एज लगेगा 20 से 28 ईयर्स। टोटल वहाँ पे वैकेंसी है 452। उसके बाद RPF कॉन्स्टेबल के लिए लगेगा आपको मेट्रिकुलेशन पास, जहाँ पर सैलरी है 21,700, और 18 से 28 साल आपको उम्र लगेगा, और टोटल वैकेंसी है 4,208। ये वैकेंसी भर के दोस्तों 4,208 हो गया। पहले इसका टोटल वैकेंसी था RPF एंड RPF SI का 2,000, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टेबल में ही इतना वैकेंसी है 4,208। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट के लिए। उसके बाद ये जो 3 साल का छूट मिल रहा है, ये कोविड के लिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दे दिया है। ये जो 3 साल छूट मिल रहा है कोविड के लिए ये सबको मिल रहा है, जनरल ST OBC सबको 3 साल छूट मिल रहा है। उसके बाद आपको जो एज पकड़ेगा आपको 1/7/2024 का अनुजाई आपका एज पकड़ेगा। 3 साल छूट देने के बावजूद भी ST को 5 साल और OBC को 3 साल छूट मिलेगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन चार्ज ST SC के लिए आपको टोटल चार्ज लगेगा 250 रुपया। ऑन स्क्रीन आप लोग देख रहे हो दोस्तों, 250 रुपया, और जनरल के लिए लगेगा आपको 500। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वेबसाइट दे दिया है आपका, जिस जोन में अप्लाई का मर्जी है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह जॉब रिलेटेड वीडियो हम आपको पल पल दे सके। धन्यवाद।